हमारी कहानी में, आज रात की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से एक बार आप सभी के लिए एक इंटरटेनिंग और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो ये कहानी आपको कैसी लगती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, इससे पहले कि आप इस कहानी को शुरू करो, एक बात, आप इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी, जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब आज के हमारे इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि है और ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है, जो आज से करीब 6 महीने पहले की है, जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, बात गोवा ट्रिप की है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं लाइफ में मस्ती करने वाली लड़की थी। मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। मैं कैसी लड़की थी जिसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता, तो ऐसे में मेरी कुछ दोस्त भी थी। हाँ, मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे पता है ना, बॉयफ्रेंड्स वालों का बहुत ये होता है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इसलिए मैं सिंगल हूँ। मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है। ऐसे ही करीब समय गुजर रहा था। हम लोग अक्सर घूमने के लिए जाया करते, मैं, मेरी फ्रेंड, हम लोग सब घूमने जाया करते। ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक बार की बात है, उस बार की, जब हम गोवा ट्रिप में गए थे। मैं बचपन से ही गोवा अपने फ्रेंड्स के साथ जाने में बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। जब मैं बाहर पढ़ने के लिए आई तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर गोवा था, तो मैं वहाँ पर जाना चाहती थी। एक बार हमने अपने सब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम सब गोवा चलते हैं, और गोवा जाकर हमारी बहुत सारी ऐसे लिस्टिंग बनी हुई थी कि हम लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ, वो सब हम पूरी करना चाहते थे, मतलब आज़ादी में घूमना चाहते थे। तो ऐसे ही समय गुजरते हुए हम लोग पहुंच गए गोवा। मैं और मेरी दो दोस्त, हम लोग बस गए थे, कोई बॉयज़ नहीं, किसी की बॉयफ्रेंड नहीं, हम लोग आज़ादी में कुछ देर घूमना चाहते थे। हम वहां जाकर बहुत ही मस्ती किए, बहुत सारे जगह गए। सच कहूँ तो मैं लाइफ में ऐसे नए एक्सपीरियंस फर्स्ट बार ट्राई कर रही थी। मैं बहुत खुश थी गोवा आकर। हमने बहुत सारे बीच पर भी समय बिताया, और लेकिन मुझे स्विमिंग वगैरह नहीं आती थी। और एक रात तो हम वो जो वहाँ पर पार्टीज़ होती है ना, वो पार्टीज़ सब में भी गए। हम लोग इतने थक चुके थे कि उस दिन रात में घर आके, मतलब होटल में आके सो गए, तो सुबह लगभग 12 बजे उठे। आप समझ सकते हो हम कितने थक चुके थे। हमने एक ही रूम बुक किया था ऑब्वियसली यार, क्योंकि हम लोग बस फ्रेंड गए थे, उतनी तो अब हमारे पास पैसा वैसा था नहीं कि हम लोग बहुत महंगे होटल पर रुके। तो हम तीनों ने एक ही रूम शेयर करके हम लोग रुके थे। ऐसे ही समय गुजरता रहा और कुछ दिन ऐसे ही गोवा में हम लोग करीब 4 दिन रुक गए। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे ना, तो हमने सोचा कि यार गोवा के बगल में ही एक और रिजॉर्ट टाइप का था जो थोड़ा सस्ता था, हमें उसकी रेंज दूसरे जगह से काफ़ी सस्ती लगी। मैंने मेरी फ्रेंड सबको दिखाया कि हम यहाँ चले, तो सबने बोला कि हाँ यार चलते हैं। उस दिन मेरे घर से भी कॉल आया था, कहाँ हो, तो मैंने बताया कि मैं बस यहाँ पर कुछ काम से घूमने फिरने आई हूँ, तो घर वाले बोले कि ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस उस जगह पर पहुँचे जहाँ जाने में मैं बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी। वहाँ पर जाकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये जो रिसॉर्ट था ना, ये छोटे में था और बहुत सुंदर था और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था। शायद एक्सपेंसिव इसीलिए नहीं था क्योंकि वो न्यू ही खुला था, और न्यू खुला था इसलिए ज़्यादा लोग वहाँ गए भी नहीं थे, और ज़्यादा मतलब जान पहचान भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि हम लोग सब वहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। उस दिन करीब शाम में हम लोग एक बीच पे गए, जो वहाँ पे एक प्राइवेट बीच टाइप की बनी हुई थी। मैं वहाँ पे थोड़ा देर पानी में खेलना चाहती थी, मैं और मेरी दो फ्रेंड थी, और हम लोग सब वहाँ पर पानी में खेल रहे थे। और अचानक से पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, तो मेरी दोनों फ्रेंड मुझे मना कर रही थी कि उतना आगे मत जा मत जा, लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली, मुझे तो बस जाना था। मैं लाइफ में किसी की बात नहीं सुनती थी,
तो मैं वहाँ पर गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद पानी ज़्यादा ज़ोर से आ रहा है, लेकिन मैंने बोला कि एक सेल्फ़ी तो बनती है यार, और ऐसे में ही मैं सेल्फ़ी लेने के लिए गई और तभी अचानक से पानी की एक बहाव आई जो मुझे खींचता ले जा रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। मैं बचाव बचाव करने लगी, मेरी दोनों फ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे हम बच सकते हैं, इसीलिए मेरी दोनों फ्रेंड ने कहा कि एक काम करो, रुको हम किसी को बुला के लाते हैं, और वे दोनों किसी को वहाँ पे बुलाने चले गए। आसपास कोई नहीं था जो हमारी मदद करे, और उन दोनों को भी नहीं आता था कुछ, मतलब स्विमिंग वगैरह नहीं आता था, वो लोग भी चले गए। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, और तभी दो लड़के मुझे दिखे, शायद उन्होंने मुझे देखा था, वो भी इसी रिजॉर्ट में आए थे। वो मेरे पास आए और तब तक मैं बहुत जोर की लहर आई और मुझे जैसे कुछ होश ही नहीं रह रहा था, मतलब अजीब लग रहा था। फिर थोड़े देर बाद मुझे उन दोनों लड़कों ने लेकर एक मतलब उठा के लेके गए, और मैं शायद बेहोश भी हो गई थी। ये सब बातें मेरी फ्रेंड ने मुझे बाद में बताया कि उन दोनों लड़कों ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया। उसके बाद जब मेरी होश आई तो मेरी दोनों फ्रेंड ने मुझे उठाया, वो दोनों ने मेरा कपड़ा ठीक किया, क्योंकि मेरा कपड़े वगैरह आप समझ ही सकते हैं, उन दोनों लड़कों ने ऐसे हैवानी जैसा हरकत किया था कि मैं क्या ही बताऊँ। उस वक्त मेरी हालत बहुत ही नाजुक थी, वो लोग मुझे बचा तो दिए थे लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ किए थे मैं आपको बता भी नहीं सकती। उस वक्त मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरी दोनों दोस्त ने मिलकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे तुरंत एडमिशन करवाया और बहुत सारी चीज़ जान खोजबीन भी की, लेकिन सच कहूँ तो किसी को भी पता ही नहीं चला कि आखिर वो दोनों लड़के कौन थे। मुझे भी डर था कि अगर ये बात आगे बताऊंगी तो मतलब पूरा हल्ला ही होगा और सबके नज़र में मैं ही गिर जाऊंगी, क्योंकि आप भी समझ सकते हो मतलब कि कितना ही ज़्यादा एक बुरा बर्ताव हो सकता है। इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोली और चुपचाप से हम लोग वहाँ से गोवा से वापस आ गए। उसके बाद भी जब भी मैं कहीं कभी भी किसी भी फ्रेंड मुझे गोवा का बात बोलती कि गोवा चलो, तो मुझे उस रिजॉर्ट का बात याद आता। असल में हमें उस जगह में शायद जाना ही नहीं चाहिए था, ना हम वहाँ पे जाते हैं ना मेरे साथ जो हुआ वैसा कुछ होता। अभी भी सोच के मुझे डर लगता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बस इतना है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। वैसे दोस्तों मैं आप सबको इतना एक बार ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको गोवा जाने मना कर रही हूँ, बस मैं आपको इतना कह रही हूँ कि अगर आपको कभी भी कहीं भी जाना है ना, तो आप सेफ जोन में जाइए, मतलब सेफ जगह जाइए। अगर आप दोस्तों के साथ भी जाते हैं तो वैसे जगह मत जाइए जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जानते, नहीं तो फिर किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो फिर आप समझ ही सकते हैं ना। बस यही इस बात की जानकारी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई। बस दोस्तों यही थी आज की एक छोटी सी कहानी, जो मुझे लगता है यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। वैसे आपको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती है और स्पेशली ये कहानी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।